ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड कंज्यूमर एनालिटिक्स। सो इससे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट एंड पोर्टफोलियो एनालिटिक्स किया था, उससे पहले हमने वॉल्यूम प्रोजेक्शंस पर काम किया था, एंड बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट मार्केट शेयर। सो अंडर कंज्यूमर एनालिटिक्स वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट डिफरेंट मेट्रिसेस दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, सच एज कंज्यूमर काउंटिंग, कंज्यूमर रीसेंसी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर चर्न रेट, कंज्यूमर लाइफटाइम वैल्यू। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो एक बड़ा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर एनालिटिक्स में, दैट इज काउंटिंग द कस्टमर्स। एंड ये जो आपके सामने जो एक इमेज आ रहा है 1 through 8, you always think that counting your consumers is as simple as that you start counting natural numbers from the first consumer until the end consumer. However, market mein jo kuch complications hain unki wajah se ye definition ya ye jo counting hai wo itni simple nahi hoti. So let's see it, ye complexities basically hai kya. So counting customers, yaad rakhein, why is it important to count the customers? बिकॉज जब कभी भी आपने बेसिकली कंज्यूमर्स पर कोई भी एनालिटिक्स परफॉर्म करना है, ये जानना है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, कस्टमर लॉयल्टी को अगर आपने जज करना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को जज करना है, सो काउंटिंग द कस्टमर्स इज इम्पेरेटिव। सो इन ऑर्डर टू बिगिन टू थिंक अबाउट मैनेजिंग इंडिविजुअल कस्टमर रिलेशनशिप्स, द फर्म मस्ट फर्स्ट बी एबल टू काउंट इट्स कस्टमर्स। ठीक है, हेयर इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन व्हाट अ कस्टमर इज, सो दिस डेफिनेशन इज बेसिकली द प्रॉब्लम फॉर अस। So let's see what's the complexity. The definition will vary for contractual and non-contractual customers. So what are these contractual and non-contractual customers? So I've often talked about in class regarding the type of businesses where you have basically either a type of customer which you can call a contractual customer, or you can call a non-contractual कस्टमर। ठीक है, सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर को देखें, सो आपके पास बेसिकली डिफरेंट एग्जांपल्स आ सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल वुड बी दैट ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है ना, सब्सक्राइबर्स आपको कहां कहां पर मिलते हैं? आपको टेलकॉम में सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, टेलकॉम इंडस्ट्री में, जैसे कि PDCL हो गया, आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइबर हो गया, आपके पास यूफोन हो गया, वारिद हो गया, टेलनोर हो गया, सारे के सारे टेलकोस हैं। ठीक है, सो यहां पर आपकी सब्सक्रिप्शन है, यहां पर आपके आपके बीच में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वो आपको एक सिम देते हैं। ठीक है, दैट्स द फिजिकल एविडेंस ऑफ दैट सर्विस, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बेसिकली आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक और कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो बेसिकली आपके रेंट्स का होता है। ठीक है, इफ यू आर अ टेनेंट, सो बेसिकली आपने अगर रेंट पर एक किराए का घर लिया है, सो वो आपको वैसे ही नहीं मिलता था, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में मिलता है, एंड दैट्स अ मच मोर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लिखा होता है दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 6 months, 1 year, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लेड डाउन होती हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सर्टन बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स, जो कि बेसिकली जहाँ पर आपके बीच में जो कंज्यूमर है और कंपनी जो कि सेलर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वट अबाउट नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स? सो ज़्यादातर अक्सर जो बेसिकली आपके जो आपकी जो सेल परचेज होती है वो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट ड्रिंक यू नो बॉटल ऑफ वाटर, यू कैन वॉक इन टू एनी शॉप विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी फॉर्मल परमिशन, और यू कैन बेसिकली डू बिजनेस विद दैम। सो दैट्स अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस, जहाँ पर आपके बेसिकली बड़े कॉमनली रिटेल्स आते हैं। ठीक है, एंड देन यू कैन थिंक ऑफ न्यूमरस एग्जाम्पल्स जहां पर बेसिकली नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल आपके पास बिजनेस होता है। सो ये जो डिफरेंस है इसको पहले समझना है कि कस्टमर्स जो है दे आर नॉट अलाइक, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू ऑफ यू, और मोर अप्रोप्रिएटली द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर, इट वेरीज। समटाइम्स इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल, समटाइम्स इट्स नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके, सो let's talk about contractual customers. So in contractual customers, it should be fairly easy to count how many customers are currently under contract at any point in time. That's again something that I always stress in class,
कि अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स हैं सो डेफिनेटली आजकल आप उनका डेटाबेस मेंटेन करेंगे एंड यू आर जस्ट अ कपल ऑफ क्लिक्स अवे इन नोइंग के आज अभी इसी वक्त कितने कस्टमर्स जो हैं उनके पास उनके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है, वंस अगेन इन टर्म्स ऑफ टेलनॉर दैट वुड बी योर एक्टिव सिम्स, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंसेस दैट वुड बी योर इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड यू नो सो ऑन. For instance, Ufone was able to report 2.6 million direct customers at the end of the December quarter. So, ये एक example भी होगी कि जी Ufone बड़ी आसानी से basically अपने number of customers को count करके आपको बता सकते हैं. But there are certain complications, याद रखें. Contractual देखने में तो बड़ा simple है, लेकिन उसमें कुछ complications हैं. So, let's see what are these complications. We will be discussing two major complications. So, the first problem is how contracts with two or more individuals are treated. So, अगर दो या दो से ज्यादा अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक सॉरी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इट्स एप्लीकेबल टू मोर देन वन पीपल. सो यू हैव अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज अप्लाइंग ऑन मोर देन वन कंज्यूमर. सो यू हैव कंज्यूमर वन, यू हैव कंज्यूमर टू, अपटिल यू हैव कंज्यूमर नंबर एन. So, एक तो कॉम्प्लिकेशन ये है. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस कॉम्प्लिकेशन. सो फॉर एग्जांपल अ फैमिली प्लान दैट इंक्लूड्स 5 नेटफ्लिक्स अकाउंट्स बट वन बिल काउंट्स एज 1 और 5. ठीक है, सो नेटफ्लिक्स आजकल अक्सर लोग यूज कर रहे हैं, उनका जो बल्क वाला जो पैकेज है वो सबसे ज्यादा बिकने वाला पैकेज है, जिसमें बेसिकली बिल एक ही जनरेट होता है लेकिन उस एक बिल पे बेसिकली 5 लोग अलग अलग प्रेफरेंसेस के साथ नेटफ्लिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग अलग डिवाइसेस पे 5 बेसिकली नेटफ्लिक्स काम करते हैं. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये एक सिंगल कस्टमर है या ये 5 डिफरेंट कस्टमर्स हैं. सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. ओके, आई सपोज आपने वीडियो पॉज करके सोचा होगा एंड लेट्स सी हमारी डिस्कशन अब कहां पर हमें लेकर जाती है. सो सिमिलरली बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट विद वन बेस फी एंड चार्ज and charges for each of 1000 phones in use count as one or 1000 customers. So once again ek business to business contract hai jisme ek single base fee apply ho rahi hai aur uske baad 1000 basically phones us base fee ke andar ya usse contract ke andar basically issue kiye jate hain. theek hai, aur wo har ek additional ke liye maybe unit ke liye charge karte hain, nahi charge karte, whatever the contract is, lekin users 1000 hain aur jo contract hai wo ek hai. ठीक है, अक्सर इस तरह से होता है सेल्स टीम्स को जब आप लोग मोबाइल फोन्स लेकर देते हैं उसके साथ ही साथ सिम्स देते हैं तो वो सिम्स जो होती हैं वो कंपनी की या कॉर्पोरेट सिम्स होती हैं जो कि बेसिकली एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे लेट्स से 500,000-2,000 सेल्स पर्सन्स को मिली होती हैं. ठीक है, सो वंस अगेन वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिंगल है लेकिन इस्तेमाल करने वाले लेट्स से 100,000-2,000 लोग हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर यू हैव सिंगल कॉन्ट्रैक्ट बट मोर देन टू इंडिविजुअल्स यूजिंग दैट सेम कॉन्ट्रैक्ट. So the primary question that managers should ask themselves is that who is the customer, the policy holder or the member. So yaad rakhein, the answer is pretty simple, at least theoretically, ke aapka jo basically jo customer hai wo basically aapka member hona chahiye. Uski wajah ye hai ki we are studying marketing and nowadays marketing follows customer oriented philosophy. सो हमारी जितनी भी मार्केटिंग है वो कस्टमर्स के गिर्द घूमती है. कस्टमर इज बेसिकली द सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर ऑल डिस्कशंस. जहां तक पॉलिसी की बात है, यस पॉलिसी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक पॉलिसी के अंदर आपके पास 1000 डिफरेंट लोगों का या 500 डिफरेंट लोगों का या 2000 डिफरेंट लोगों का बिहेवियर आ रहा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उन 500,000-2000 तमाम के तमाम लोगों को सेपरेटली असेस करना है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी के बारे में कंसर्न है, दैट मींस कि आप मेनली जो हैं यू आर मोर इंटरेस्टेड इन सेलिंग पॉलिसीज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स. सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, याद रखें कि इवन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है और मल्टीपल आपके पास यूजर्स हैं, ठीक है, सो तब भी आपके लिए जो कस्टमर है वो सिर्फ एक वो बिल पेयर जो है जो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट आपसे किया है, ठीक है, नॉट कॉन्ट्रैक्टर बट कॉन्ट्रैक्टर जिसने आपके साथ इस्टेब्लिश किया है, सिर्फ वो नहीं है, उसके आगे जितने लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे भी आपके कस्टमर्स हैं. एक बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो आपके पास नेटफ्लिक्स की ही है. आप में से वो लोग जो कि बेसिकली नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और अगर आपके पास बल्क अकाउंट है, मीनिंग अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 लेट्स से एंड 5, इफ देर आर 5 पीपल
इफ देयर आर 5 पीपल दैट आर यूजिंग योर अकाउंट, सो याद रखें कि नेटफ्लिक्स के डेटाबेस में ये एक कस्टमर नहीं है, ये 5 कस्टमर्स हैं, ठीक है. नेटफ्लिक्स जो है इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट कंपनी दैट बेसिकली प्रोड्यूसेस डिफरेंट टीवी ड्रामास और मूवीज, इट इज ऑल्सो एन एआई कंपनी, ठीक है. उनका जो मेन जो बेसिकली फोकस है वो ओवरऑल एआई पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, और वो बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है वो रेकमेंड करते हैं. उनका जो ML है, मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है, वो बेसिकली कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो रेफर करता है, बताता है कि कौन से कंज्यूमर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको किस किस्म का कंटेंट पसंद आएगा, और वो बेसिकली आपका जो होम पेज होता है उस पर आपको बेसिकली अलग अलग कंटेंट नजर आ रहा होता है. सो विदाउट ट्रीटिंग ऑल ऑफ दीज सेपरेट मेंबर्स एज सेपरेट कस्टमर्स, ये ML जो है बेसिकली पॉसिबल हो गए. ML बाय ML आई मीन मशीन लर्निंग. Complications in contractual customers. So there's another second type of complication. Let's see what that is. So a second complication in counting customers is in contractual situation is the treatment of customers with multiple contracts. So जब आपके पास एक customer है और multiple contracts हैं, याद रखें पहले हमने क्या discuss किया था? You had a single contract, CON for contract, and you had multiple C1, C2, and CN, multiple customers. Dot dot dot. ठीक है. Now you have a single customer and that single customer is using multiple products or multiple services from you. So that is going to be P1, product 1, product 2, product 3. Product 2 and product 3. ठीक है. अब यही एक ही single customer है लेकिन अब ये different products आपसे purchase कर रहे हैं. So ये एक और different situation है जो कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करती है. सो फॉर एग्जाम्पल USAA, अ ग्लोबल इंश्योरेंस एंड डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस एसोसिएशन, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द US मिलिट्री कम्युनिटी एंड देयर फैमिलीज. सो देयर इज दिस एजेंसी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, टू US मिलिट्री कम्युनिटी एंड देयर फैमिलीज. ईच कस्टमर इज कंसिडर्ड अ मेंबर. सो दिस इज गुड. हर एक सिंगल मेंबर जो है वो एक कस्टमर कंसिडर किया जाता है, कंप्लीट विद अ यूनिक मेंबरशिप नंबर. Once again, this is something important to notice. Who avail themselves of various variety of member services. So, वो एक single consumer जो है, वो multiple products basically purchase कर रहा है. So, what's so complex about it? This is pretty simple. You might be thinking, जो complexity है, जो complexity के अलावा जो problem आता है, वो ये आता है कि अक्सर organizations जो हैं, वो अपनी performance को थोड़ा सा biased अंदाज में पेश करती हैं, और instead of saying कि जी उनके पास एक customer है, वो कहती है जी हमारे पास हमारे 3 प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है, और इसके थ्रू बेसिकली वो थोड़ा सा मार्केट में अपने स्टेक होल्डर्स को या स्टॉक होल्डर्स को बेसिकली थोड़ा सा इंप्रेस करने के लिए एक्सक्यूज मी वो बेसिकली इस किस्म के फिगर्स यूज करती हैं. इसके साथ साथ आपको ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है या उनके जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सक्यूज मी उसका भी अंदाजा होता है कि अगर एक ऐसी सर्विस है जो कि कंज्यूमर की जगह पॉलिसीज पे कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस कर रही है, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. देयर इज अनदर कंट्रास्टिंग एग्जांपल, स्टेट फार्म इंश्योरेंस. दिस इज अ डिफरेंट कंपनी. फॉर एग्जाम्पल लिस्ट्स अ टोटल ऑफ 73.9 मिलियन पॉलिसीज. नाउ सी दिस, हियर इज अ गुड एग्जाम्पल. इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट देयर कस्टमर्स, दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज एंड अकाउंट्स विद अ पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज ब्रेकडाउन अमंग ऑटो, होम ओनर्स, लाइफ एन्युइटीज एंड सो ऑन. Clearly, the 73.9 million in a, is a count of policies and not customers. So, यहाँ पर once again, ये क्या कर रहे हैं? ये जी different policies को देख रहे हैं. अगर आपने एक और scenario देखना है, so you can imagine WABDA, ठीक है? पाकिस्तान में आपने बिजली लेनी है, आपके पास हर एक सूबे में एक एक ही organization है, single organization है, PESCO है, LESCO है, Karachi Electric है, जिन जो basically आपको meter देते हैं. Now imagine कि अगर आप किसी एक एरिया में रहते हैं, कराची के, पिशावर के या इस्लामाबाद के, और आप घर चेंज करके किसी और एरिया में जाते हैं, ठीक है, और वहां पर आपने नया घर बनाया और आप एक नया बेसिकली मीटर इंस्टॉल करवाते हैं, सो याद रखें वो आपको या आपको चूंकि दे डोंट हैव अ सर्टन मेंबरशिप नंबर और कस्टमर ID इन देयर डेटाबेसिस, सो वो आपके घर जो एक नया मीटर लगेगा वो उसको एक नया प्रोडक्ट या एक नया कस्टमर कंसिडर करेंगे. Which, if you think about it, is wrong because customer तो पुराना ही है, सिर्फ उसकी location change हुई है, ठीक है. So यहाँ से once again आपको अंदाजा होता है कि
वाबडा और पेस्को और लेस्को आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डेफिनेटली आर नॉट कस्टमर ओरिएंटेड, दे आर बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड और सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इनका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल्स है या प्रोडक्ट है। सो दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन, मीनिंग कि आपने ये डिसाइड करना है। वंस अगेन, अगर याद हो तो अभी हम जो टॉपिक फॉलो कर रहे हैं, दैट इज हाउ डू वी काउंट कस्टमर्स, और उसमें हम ये बात कर रहे थे दैट हाउ डू यू डिफाइन कस्टमर्स। सो डेफिनेशन है बेसिकली आपने ये देखना है कि अगर आपके कॉन्ट्रेक्चुअल हैं कस्टमर्स तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उसमें आपने कैसे अपने कस्टमर को डिफाइन करना है। लेट्स टॉक अबाउट नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स। सो असल जो मसाइल आपको पेश आएंगे वो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल में आएंगे। सो इन नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशंस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू काउंट कस्टमर्स डिपेंड्स ऑन वेदर इंडिविजुअल कस्टमर्स आर आइडेंटिफाइबल और नॉट आइडेंटिफाइबल। सो ये एक मजीद ब्रांच आ गई है विद इन नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, कि अगर आपके कस्टमर्स नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, मीन्स उनके बीच में और आपकी कंपनी के बीच में किसी किस्म का कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सो उसमें अब आपने देखना है कि क्या इस नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशन के बावजूद क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है, या आपकी कंपनी आइडेंटिफाई कर रही है कि नहीं कर रही। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, अगर विल हो तो ऑर्गेनाइजेशंस यस आइडेंटिफाई कर सकती हैं तमाम कस्टमर्स को, लेकिन अक्सर में नजर आता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की विल या मोटिवेशन नहीं होती जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करती इनटू आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। अभी हम कुछ एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे दैट हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स। सो फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एटसेट्रा। सो यू मस्ट हैव बीन टू यू नो हंड्रेड्स ऑफ रिटेल स्टोर्स। आपके घर के पास जो नेबरहुड स्टोर्स हैं उन पे भी जाते होंगे, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उधर जाते होंगे, जो हाइपर मॉल्स हैं हाइपर स्टोर्स हैं वहां पर जाते होंगे। बट आप वहां पर जाते हैं, यू बाय समथिंग, यू परचेज समथिंग, यू गो बैक होम, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हॉल्टेड, इट्स ऑलमोस्ट ब्रोकन, ठीक है। आप जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं, अगर तो बड़ी शॉप है फिर तो यू नो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, हाँ छोटी शॉप है सो दे मे नो यू बाय योर फेस, लेकिन उसमें भी उनके पास डाटा नहीं है, दे कांट सी दैट हाउ वैल्यूएबल ऑफ अ कंज्यूमर यू आर। मे बी आप ओवरऑल रेवेन्यू कम स्पेंड करते हो बट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू बाय आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। मे बी आप रेवेन्यू ज्यादा स्पेंड करते हो लेकिन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू बाय आर अ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली विदाउट डाटा इवन छोटी दुकानों में आपको या छोटे शॉप्स में छोटे बिजनेसेस में जहां पर ज्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होती हैं इवन वहां पर बेसिकली इस बात का अंदाजा लगाना कि कौन सा कस्टमर कितना प्रॉफिटेबल या कितना ज्यादा या कितना कम प्रॉफिटेबल है यह आसान नहीं होता, ठीक है। ओके सो लेट्स मूव ऑन। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स में लेट्स से अगर आपके पास एक बात यहां पर हम डिस्कस करना भूल गए कि दैट इफ योर कस्टमर्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल, ठीक है, अभी आइडेंटिफाइबल की हम आगे बात करते हैं। इफ योर कस्टमर्स आर नॉट आइडेंटिफाइबल फर्म्स कैन ओनली काउंट विजिट्स और ट्रांजेक्शन। सो सी अगर आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मैं किसी दुकान में जाता हूं और वहां पर इवन लेट्स से एक अक्सर आप देखते हैं कि इवन छोटी दुकानों वाले एक कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लगाकर बैठे होते हैं, उसको टेक्निकली हम लोग POS पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इसके साथ एक स्कैनर अटैच्ड होता है, ठीक है, और एक प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है, एंड दिस इज योर स्कैनर। आप स्कैन से प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और बेसिकली उसका रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में जाना शुरू हो जाता है, एंड यू माइट बी थिंकिंग कि अच्छा यू नो दे आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस, बट इट्स नॉट अ गुड डेटाबेस बिकॉज यहां पर ये जो हैंडल कर रहे हैं वो एट द मोस्ट अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, एट द लीस्ट ये बेसिकली एक बिल प्रिंट कर रहे हैं। आपके जब तमाम प्रोडक्ट स्कैन हो जाते हैं ये एंटर प्रेस करते हैं, जितना भी बिल है वो बेसिकली प्रिंटर में से बाहर आ जाता है, ठीक है। सो इनको टोटलिंग नहीं करनी पड़ती, वो आपको बिल दे देते हैं, लेकिन अच्छा ये भी पॉसिबल है, यू माइट बी थिंकिंग कि क्योंकि छोटा स्टोर है तो जो दुकानदार वो आपको जानता है, ठीक है, और वो उसको पता है कि आप कितने ज्यादा कितने कम अवेलेबल हैं, दैट इज द केस। हाउएवर जो बड़ी शॉप्स होती हैं जैसे कि हाइपर स्टार हो गया, वदूत सन्स हो गया, जितने बड़े हाइपर मॉल्स हो गए, ठीक है, वहां पर आपके सेल्समैन चेंज होते रहते हैं, वहां पर आपके पास डिफरेंट या मल्टीपल काउंटर्स होते हैं, ठीक है। सो वहां पर एक इंडिविजुअल के लिए अंदाजा लगाना कि एक सिंगल कंज्यूमर जो है वो कितना अच्छा या कितना बुरा या कितना खास है, कितना आम है, कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदेह है, वो पॉसिबल नहीं होता। सो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बेसिस पर होता है, जो आप करंटली जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आपने 20,000 रुपए का सामान खरीदा है किसी रिटेल शॉप से, सो यू आर द किंग। अगर आपने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी है या 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, सो
यू वॉन्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है, और मे बी यू नो अप्रोप्रिएटली. सो याद रखें कि अगर आप नॉट आइडेंटिफाइबल हैं, सो जो कंपनी है वो सिर्फ नंबर ऑफ विजिट्स या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के जी आज कितने बिल्स जनरेट हुए वो काउंट कर सकते हैं, दैट्स इट. उसके अलावा नंबर ऑफ कस्टमर्स काउंट नहीं कर सकते. What happens when we have non-contractual customers but we are identifying them? So in non-contractual situations with identifiable customers, अभी हम discuss करेंगे how does that happen. A complication is that customer purchase activity is sporadic. So पहले तो हम ये इस बात को deal करते हैं कि how non-contractual customers are identifiable. ठीक है, so once again you have the same shop with a POS installed और उसमें वो basically जब receipt generate करता है, so उस रिसीट के ऊपर लेट से एक रिसीट आईडी लिखा होता है. याद रखें ये रिसीट आईडी जो है ये सिर्फ बता रहा है कि इस रिसीट आईडी के अंदर टोटल बिल कितना बना और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिके. इस रिसीट आईडी को अगर आपने कनेक्ट करना है विद अ कस्टमर, ठीक है, लेट से दिस इज द कस्टमर, सो आपको एक कस्टमर आईडी भी चाहिए होगी जो कि बेसिकली इस रिसीट के ऊपर फिर प्रिंट हो जाएगी और साथ ही साथ ये उनके डेटाबेस का हिस्सा भी बन जाएगी. नाउ द ऑर्गेनाइजेशन द रिटेल स्टोर स्मॉल और बिग इज एबल टू बेसिकली आइडेंटिफाई कि कौन से कस्टमर ने बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट कब कितनी क्वांटिटी में खरीदा, एंड दैट्स वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, दैट्स वैल्यूबल डाटा. ठीक है, सो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है याद रखें इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. पहला सवाल ये आता है कि जी कस्टमर आईडी क्या होगी. So some people might say, one of my students said कि जी you can use a credit card number. ठीक है, आपका जो credit card number है वो आप use कर सकते हैं. But imagine कि कितने लोग पाकिस्तान में credit card इस्तेमाल करते हैं, maybe 1%, 2%, maybe a little more. ठीक है, और कितने लोग जो होंगे वो छोटी purchases के लिए credit card लेकर आएंगे, not many. So that means कि credit card is not the right option. Maybe you can use the national ID card number, the CNIC number. बट वंस अगेन थिंक अबाउट इट, क्या लोग जो हैं वो हर जगह पर अपना सी एन आई सी नंबर शेयर करेंगे? नो, बिकॉज शको शुबाहत होते हैं कि जी कहीं पर हमारे एफ बी आर जो है वो कहीं से टैक्सेस ना निकाल ले, हमारी जो परचेजिंग है जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अकाउंट फॉर ना करना शुरू कर दे. सो वंस अगेन सी एन आई सी नंबर जो है उसको भी लोग डिस्करेज करेंगे, विच मीन्स कि आपने डेटाबेस तो बना लिया है लेकिन अब उस डेटाबेस को पॉपुलेट करने का मसला है. रिसीट आई डी तो जमा बन जाएगा, प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी आ जाएंगी, टोटल सब टोटल भी आ जाएगा, कस्टमर आईडी अभी तक नहीं आ रहा. इस कस्टमर आईडी को बेसिकली इस्तेमाल करने इनकरेज करने के लिए और इन दो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली मेंबरशिप कार्ड्स बना सकते हैं. सो मेंबरशिप कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है, और इन मेंबरशिप कार्ड्स का बेसिकली मकसद क्या होता है, उनका मकसद ये होता है कि कंज्यूमर जो है बेसिकली वो आएंगे शॉप्स पे ये मेंबरशिप कार्ड्स लेकर, और जब वो काउंटर पे अपनी शॉपिंग कार्ड के साथ परचेजिंग करेंगे तो ये मेंबरशिप कार्ड भी साथ में एज ए कस्टमर आईडी स्वाप किया जाएगा और स्वाइप किया जाएगा और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली सिस्टम में चली जाएगी. बट वंस अगेन क्यों कस्टमर्स ये कार्ड लेकर आएंगे, ठीक है, आपने उनको भी मोटिवेट करना है. सो फॉर दैट अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, मेंबरशिप कार्ड्स पे एक खास परसेंट रख देती हैं, 2% टू लेट्स से 7%, जहां पर भी यू नो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इट्स फीजिबल फॉर देम, और इस 2 या 7% के चक्कर में कस्टमर्स जो हैं वो दे आर ईगर टू बेसिकली स्वाइप देयर मेंबरशिप कार्ड ऑन यू नो चेकआउट. सो यस, विद नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स आपके कस्टमर्स आइडेंटिफाइबल किए जा सकते हैं. याद रखें दैट मेंबरशिप कार्ड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, कि आप कितना परचेज करेंगे और आप कम से कम यू नो आपने हर महीने आकर इतना परचेज करना है. उनकी जो परचेजिंग है याद रखें जो प्रॉब्लम है वो स्पोरैडिक है. सो फॉर एग्जाम्पल मेट्रो विल नो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इट रिसीव्स डेली, इट विल नो द नंबर ऑफ कैटलॉग्स इट मेल्स मंथली. सो मेट्रो जो है वो एक बड़ा हाइपर मॉल है, हाइपर शॉप है, और दे वुड नो कि डेली उनको कितने ऑर्डर्स मिले, या अगर वो कोई बुकलेट्स हैं कैटलॉग्स हैं जो कि भिजवाते हैं, सो दे वुड नो कि कितनी कैटलॉग्स उन्होंने मेल की हैं, बट इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द नंबर ऑफ करंट कस्टमर्स इट हैज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ करंट कस्टमर. ठीक है, सो लेट्स से आपका एक मेंबरशिप कार्ड है, इट्स एन एमसी मेंबरशिप कार्ड, और ये कार्ड जो है वो एक साल से बेसिकली इस्तेमाल नहीं हुआ. सो नाउ आर यू गोइंग टू कंसिडर दिस पर्सन अ मेंबर? लेट्स से अनदर सिचुएशन, दिस इज अनदर कार्ड जिसपे पूरे साल में पिछले 12 मंथ्स में
एक सिंगल परचेज हुई है. देयर इज अनदर कार्ड एमसी जिस पे पिछले पूरे साल में 24 टाइम्स मीनिंग पर मंथ एटलीस्ट टू परचेजेस हुई हैं. सो क्या ये कस्टमर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्या ये कस्टमर कहलाएगा ये नहीं कहलाएगा, और ये तो डेफिनेटली कहलाएगा, ठीक है, बिकॉज लास्ट 12 मंथ्स 24 टाइम्स ही और शी हैज परचेज्ड. सो कहने का मतलब ये है कि ये कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है. यू जस्ट हैव टू डिफाइन कि व्हाट इज मेंट बाय आवर करंट कस्टमर, ठीक है. सो दैट डेफिनेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड एंड दैट डेफिनेशन नीड्स टू बी अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन. So this was so far all about counting customers. In next lecture, we'll be talking about the recency of customers. Thank you. Khuda hafiz.